তো মাত শীতলায় সমীর কে এ জি ধরুন গুরু পা ধ্যান আন বিরাজ কণ্ঠ মে সুদে যাইও মম জ্ঞান কীরত সিং গুরুদেব কি এ জি চরণ সুদেতে রহো আশীষ মঙ্গল ভবনে মঙ্গল हमारे प्यार करने योग्य बच्चों, हमारी इस भूमि पर पलने वाली हमारी माता बहना, लीजिए आज मैं और रघुवीर कैसेट के सौजन से आप लोगों तक जे सीता वनवास का प्रोग्राम पेश कर रहा हूं। और संयोजक हमारे रवि भाई, हमारे चेला कोणर वाले, तो लीजिए कथा किस प्रकार से है। तूफानी जी, एक अयोध्या के पास में एक छोटा सा नंगला था, वहां एक धोबी और धोबिन रहा करते थे। एक दिन धोबी से धोबिन कहने लगी, हे पिया, जब से तुम मेरी शादी करके लायो, मैं पीहर ना गई, वो मैया बाप की बहुत याद आ रही है। धोबी ने जवाब दिया, तेरी खोपड़ी खराब, इस समय फसल का टाम है, जो कोई दे देगा सो दे देगा। नहीं, जिद करने लगी और क्या बोली, भैया तूफान जी, आए के जब ब्याऊ भयो मैंने देखो नाई माई का, आए
खोपड़ी खराब तो नहीं, कोई लेने के लिए नहीं आया, मैं नहीं जाने दूंगा। सो कह रही हे पिया, जवाब दो धोबी ने, तू चली तो जा लेकिन मैं तुझे लेने के लिए नहीं आऊंगा। हाँ ठीक है, मैं अपने आप आ जाऊंगा। क्या भैया, पति की आज्ञा पाई कर वो तुरंत माई के खुं गई। दो दिन बिताई पीहर में, सो मात से बोली लली, भैया दो दिन रही, तीसरा दिन वो सीखने लगी, मैया अब तो हम जा रहे अपने विदा ले रही है ससुराल के लिए पीहर से। और मैया ने जवाब दो, बेटा और रुक दो चार दिन। नहीं मैया, उन्हें ये कह दिए बस आ जाइयो, तुम जानते हैं कैसे भागो वह चलती है विदा लेती है, तो तुम जानते हो मैया बिटिया की आत्मा कैसी होती है। तूफानी जी का बोली के मैया मिल ले री भोजाए पसारे, मैया मिल ले री भोजाए पसारे, ए बन के थो दुलनिया चली दाई। भैया मैया क्या मैया बिटिया की आत्मा कैसी होते हैं? आए के मैया रोवाती आनी आनी भात, मैया रोवाती आनी आनी भात, ए बन के तो दुलनिया
हो हुआ क्या, जो अकेली चलती है तो काम हो। आए के बरसा होना लगी ये घना बरसा होना लगी ये घना घोरा ये अकेली बिचारी चली दाई। तब तक घर से निकली, अपार बारिश हो गई तो एक वृक्ष की ओट बैठी रही। ओहो, तब तक दिन अस्त हो गया और जैसे ही चलती आगे के लिए तो हुआ क्या, नदिया सधार चल रही। एकदम से धोबिन क्या बोली है मला से, अरे मला की सुनियो भैया नदिया से कर दे रे एकदम से मलहाने जवाब दो, ऊपर से बारिश हो रही है इस समय मैं नाव नहीं डालूंगा। क्या बोला मलहा, नारी तू डर पे पति भरूसी पाल तू जाने मोई घर घर से फांतू समझ रही है का, तो मैं कहां जाऊंगी। मलहा ने जवाब दो, यहीं रुक जा मेरे पास और सुबह हो तो चले जाइए। क्या बोला मलहा, परवसी में रुक गई वहां ए मन में कियो विचार, सुबह में घर को जाऊंगी तो पड़े यसो सने मारो। गोविंद कहने लगी, अब मैं घर जाऊंगी तो वो ऐसा भागो मेरी खाल को उघाड़ देगा। ओह, दो मलहा ने जवाब दे, खड़ी होती है व
बोहनी ना बट्टो खुदा से रट्टो सवे सवे रो रही है। क्या बोला? सुबह सुबह की भक्त में क्यों रही हो धन मचाई, या तू मुझको खाएगी मेरी नावे देगी डुबाई, या तू मुझे खाएगी या मेरी नाव को डुबाएगी। सवेरे सवेरे तू रोए रही है। जवाब दो वीरन, तुझे मालूम नहीं मेरा पति ऐसा खोटा है मेरी खाल को धेड़ देगा। जवाब दो ए, तो मैं क्या करूं, चली जा यहां से, खड़ी हो जा। धोबिन क्या बोली? बिरन विपता में तूरे बोला तो अनचित भैया बोला, ओ बिरन तू उचित बोल बोले मो देखा कह रही। अरे बिरन विपता में तूरे बोला तो अनचित भैया लगी। अरे ऐसे बोल बोल रहा है, जवाब दो क्या? अरे बोलो लाल लाल कर दरबार में पहुंची और पछार खा के गिर पड़ी। हाय स्वामी, भगवान राम ने जवाब दो, रोती क्यों हो? तो क्या कह रही? ए के मत पूछो दिल की बात, फिर मैं विपता की मारी, जवाब दो स्वामी। जब मैं घर से चली अवेरी और बरसाने गेल में घेरी, मेरे स्वामी और बरसाने गेल में घेरी, मला के नमका नाय Thank you.
गई वही रात में मेरे स्वामी और मैं रुक गई वही रात में यही मुझे भी पता है बेकार का रिश्ता है। जवाब तो महाराज वो कहू के रिश्ते ना मान तो बड़ा भागो है। भगवान ने जवाब तो हम अपना एक संतरी भेज देते हैं वो तुमसे कुछ नहीं कहेगा। महाराज तुम्हारे संतरी को मारे हो नहीं नहीं वो कुछ नहीं कहेगा। हुआ क्या जब भगवान ने अपना संतरी पास भेज दिया तो वो धोबी क्या कहते हैं सुपड़ी लगा के देख रहे ऐसे लग रही मन तो हमारी घरवाड़ी आ रही है और दूर से कह लो वो ही तो है सवेरे को आते आम सी आए टपकी का करो धोबी ने ना पूछता चकरी भैया का करो रवि वो बैठो मिला डगर में कस के मारो लठू कमर में मेरे स्वामी कस के मारो लठू कमर में एक धद्दो से बिचाई गुड़ मनाई गई बारो वो गोसा में पारी मती पूछो लखी बात मैया बाप से मिलवे गई है इस कसम से मिलने के लिए गई जल्दी बतावे हा मुझे कहां रही तू रात में जल्दी बताओ डंकी नीजे कौन खसम थी साथ में कहती थी मिल आऊंगी रोवत हो मेरी मात है गुस्सा में हो कर धोबी ने मारी कमर में लात है एक लात मारी से बेचारी गुड़मुड़ाई अरे पिया मारते क्यों हो जवाब दो ओ बेहा खड़ी है जा यहां से और क्या बोला है कि रात कहां पे रही ए रात कहां पे रही क्यों ना बोले सही ठगनी दारी तो जिंदी जला दूंगो सारी जाओ तूफानी तुम्हारा तो कह वही अलग है रात मैं तो बोलूं सही मेरी मानो खरी
संतरी से जवाब दो तू कौन है। संतरी ने जवाब दो भैया हमको रास्तागीर है, तो फिर निकल ले यहाँ क्या करता है। और संतरी सीधा भगवान के दरबार में पहुंचा। भगवान राम बोले हे भैया मंत्री उस अबला नारी का क्या हुआ। संतरी तो क्या बोला भगवान राम से प्रभु सुनो के दो कर जोरे हाथ संतरी के न लगो बानी रावण के घर रह आई उसने घर बसा लिया। मैं नहीं रखूंगा तुझे। ओहो भौका भैया वचन सुनी रघुबर गई घबराई पास बुलाया और क्या बोले भैया ए लक्ष्मण के रोए रोए कहे आदि हो राम के रोए रोए कहे आदि हो राम प्रभु अब कैसे की होगी।
प्रभु प्रभु ये क्या कर रहे, माँ सीता के संग इतना क्या कर रहे। लखन लाल देखई सुनो दीवानी, सोचो मन में आपो कहा दिल ठान। लक्ष्मण सुन के रखनी मर्यादा, ए के रखनी मर्यादा सुन लखन सिया को ले जाओ बानों में। परित चले तो काय को इंसान, भैया तुम जानते हो हमारे रघुकुल की क्या मर्यादा है। क्या बोले भगवान, आए रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, आए प्राण जाए परिवचन से ले जाऊं। जवाब दो तुम,
जब कहता कि उन ऋषियों के दर्शन कब करेंगे, तो इस बहाने से माँ सीता को तुम ले जाओ। हुआ क्या भैया, मात सिया पास जाई के लखन नवायो मात, चेरा पे मुसिख्यान है सो दिल में दुखो समात। भैया सीता मैया से लक्ष्मण कहने लगे, हे मैया, और मन में बहुत दुखी थे, भेजा मुझे श्री राम ने, सुनो मात चितलाई, चलो हमारे साथ मेरे ऋषि आश्रम लाए घुमाई। हे मैया चलो तुम्हें ऋषि आश्रम घुमा लाए। ओह वाह क्या भैया, आए नहीं समझी चाल बिचारी, तुम्हारी जी तुम्हारू का कहे हो है, पछतावेंगे बाद में। आए नहीं समझी मरम बिचारी, ऊपर काग बड़ाने लगे और का है रहो, आए के असगुना नजरी परे, जो मैया रथ में बैठी सुनील, आए के असगुना नजरी परे, देवर दी के दारे में कारा। का बोली मैया, आज नगर में छाई रहो और सन्नाट हो, बैठार के चलते हैं। तो मैया कहने लगी, सूरत वसियो नगर तुम्हारो, बोलो अटर छत्र जयकारो, तुम तो हम तो जाए रहे और तुम सूरत वसियो। माँ इस प्रकार से कह करके चल देती है आगे। का भो चलते चलते बनी में पहुंचे तो का भो भैया, मैया क्या बोली, दिवर छाया में सह ताले, चलो न जाई चाले पड़ी पामन में दिवरा छाया में से ताय ले ओ, और
से पसीना छूटे अंग भयो सारा मोरा। चलो कहने लगी, देवर मुझे प्यास लग रही है, पानी पिला दो। माँ सीता को एक बरगद के नीचे बैठा ले गई और कहा, वो भैया आए लक्ष्मण मन में करत विचार, अरे पानी कहूं नजर नहीं आवे, प्यास से मैया रही घबरा, लखन लाल लौटे नहीं कहाँ अटके वीर बलवान, पानी बिन तो ही दिवर सुनिकली जात प्राण, एक है कर वो गिरी गई ए जी सीता राजकुमारी, देख दुर्दशा मात की लक्ष्मण खा तू पछाड़, लक्ष्मण पछाड़ खा के गिर पड़े। ओ भैया ये क्या है, ये विद्या कैसी करी, क्यों इतना दुख दिखाती हो, जा प्राणन प्यारी मैया सी, क्यों नाता प्रभु तोड़वाते हो।
तो मुझे श्राप दे देंगे, जीवन भर दुख पाऊंगा। हुआ क्या, आए दयो टांगी दोना बड़ा गदा दानी, बड़ा गदा दानी चल देखी कर दई नई यारी, मैया का कोई नहीं है और सोच समझ के दोना को टांग दो। हुआ क्या भैया, इधर एक बूंद पड़ी तो माँ सीता जागी तो क्या बोली, आए के देवर निरमोई, आरे के देवर निरमोई दोना टांग गई बरगद दी, क्या बोले, हे बेटी तुम यहां मेरे आश्रम पे बेटी की तरह पलोगी। और क्या बोले, ए बेटी दिल धर ले धीरा, धर्म को पिता मोई मान ले,
अपने पास रख लिया। कुछ समय के बाद खा भाव आए दो लाल सियाने जाई है पनखड़ो में। कई हमारे भाई कलाकार कहते हैं जे मेरे गुरुदेव वीर सिंह की लिखी हुई कथा हम गा रहे, तो ऐसा नहीं माँ सीता ने चुड़मा दो पत्रों को ही जन्म दिया। कई भाई कहते हैं कि वाल्मीकि ने कुश से बनाया, अगर कुश से बनाया होता तो वाल्मीकि धर्म दृष्टि से नहीं देख सकते कि सीता अपने साथ ले गई है। तो ऐसा कुछ नहीं, माँ सीता ने दो पत्रों को ही जुड़वा जन्म दिया है। दो लाल सियाने जाए हैं पनखड़ो में। और भैया हमारा ये प्रसंग यही संपन्न होता है, क्षमा करेंगे। दूसरे राम जी ने